नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशान। नेशनल रूडो 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बता दीजिए खबर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से। फिरोजाबाद के चारबाग क्षेत्र में फैला डायरिया, सीएमओ फिरोजाबाद ने लगाया कैंप। दरअसल मामला फिरोजाबाद के चारबाग का है, जहां पर लगभग 10 लोगों में डायरिया फैलने की खबर पर पहुंचे सीएमओ ने जांच कैंप लगाया, तो वही डायरिया से ग्रसित रोगियों को जिला अस्पताल इलाज के लिए भिजवाया। बताया जा रहा है डायरिया फैलने का एक कारण गंदा पानी की समस्या भी हो सकती है। गंदे पानी पीने की वजह से भी लोगों को डायरिया जैसी बीमारियां हो जाती हैं। सीएमओ फिरोजाबाद का कहना है कि आगे भी लोगों का परीक्षण करने के लिए लगातार कैंप लगाए जाएंगे, जिससे कि लोगों को डायरिया जैसी बीमारी से बचाया जा सके। और क्या कहा इस रिपोर्ट में देखिए। सर, यहाँ पे जो कैंप लगाया गया है आपके द्वारा, किस तरीके का, किस बीमारियों को लेकर लगाया गया है? देखिए, अभी यहाँ सुबह सूचना मिली कि यहाँ पे कुछ लोग उल्टी दस्तक रखते हैं, और हमारी पूरे स्वास्थ्य विभाग के माननीय विधायक जी और नगर निगम के कार्य कर रहे हैं, और कुछ पेशेंट को उल्टी दस्तक वालों को जिला अस्पताल मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। बाकी हमारे सारे डॉक्टर काम कर रहे हैं, सारे लोगों का घर घर काम कर रहे हैं, पूरे स्वास्थ्य विभाग। तो सुनने को यहाँ पे मिला है जैसे कि कुछ लोगों को डायरिया फैला हुआ है, कितने लोग ग्रसित हुए हैं? 10-12 लोग जो भी भर्ती किए हैं डायरिया वाले, बाकी घर पे इलाज। तो यहाँ पे जैसे नालियाँ को भी प्रॉब्लम है, यहाँ पे जो गड्ढे सीवर वगैरह बना दिए वो भी बंद नहीं हुए? बिल्कुल सही कह रहे हो कि नालियाँ बंद हैं, गड्ढे बंद हैं, और हम पानी का टेस्ट भी करा रहे हैं कि पानी को देख रहे हैं कि पानी की शुद्धता क्या है, कि उसमें ब्लीचिंग वगैरह हुआ है नहीं हुआ, क्लोरिनेशन होता है, वो भी टेस्ट करा रहे हैं। और उसके बाद नहीं, यहाँ के लोगों की शिकायत है तो आज से 2-3 दिन पहले गंदा पानी भी आया है। हाँ बिल्कुल, ये हो सकता है, लेकिन हम उसका टेस्ट करें। और देखें, नगर निगम वाले जो जल कल विभाग वाले वो लोग कार्य कर रहे हैं, निश्चित रूप से कोई कैजुअल्टी नहीं हुई है, जब लोग बीमार हुए हैं। और मेरा सभी से ही कहना है कि पानी उबाल के रखें, उसी में औरत डालें, और जो भी अगर कोई बुखार का दस्त का रोगी है तुरंत अस्पताल में आए, संपर्क करें और हम उसे शिफ्ट करा देंगे। यहाँ पे जो कैंप लगाया गया है, जैसे लोगों को कुछ बीमारियाँ हुई हैं डायरिया जैसे संबंधित, तो यहाँ पे जो बता रहे लोगों का कहना है यहाँ का, कि पानी का जो गंदा आने के कारण ये बीमारियाँ फैली हुई हैं। नहीं, ऐसा नहीं, यहाँ पर कभी अभी तक कोई गंदे पानी की शिकायत नहीं आई थी, अभी सुबह मालूम हुआ तो हम लोग आए, ऐसा कहीं नहीं गंदा पानी आ रहा। अभी हम 5 बजे सप्लाई में टेस्ट कराएंगे, क्लोरीन से टेस्ट करेंगे केमिकल से, अगर गंदा कहीं भी आता है तो सही करेंगे, कोई गंदे पानी शिकायत नहीं आई। तो यहाँ पे जो डायरिया की बीमारी फैली हुई किस कारणों की वजह से? अभी मेडिकल वाले बता सकते हैं किस कारण हो, इसमें मौसम चेंज हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, पानी की वजह से तो अभी नहीं कहा जा सकता है कि पानी। तो लोगों का आरोप भी है कि यहाँ पे जो ट्यूबवेल के द्वारा पानी आता है वो गंदा आ रहा है? ऐसा नहीं है, हम टेस्ट कराते रहते हैं, अगर कहीं पे कोई दिक्कत है, गंदे पानी की कोई शिकायत नहीं किसी ने दी, फिर भी हम शाम को अभी सीएमओ की टीम के साथ उसको टेस्ट करेंगे, अगर गंदा कहीं पे आ रहा तो उसको सही कर देंगे, टीम मेरी लगी हुई है। अब जैसे कि यहाँ पे जो डायरिया वाला जो कैंप लगाया गया है, तो यहाँ पे जो डायरिया फैला है किस बीमारियों को और किस चीज़ों से लेकर फैला गया है? अब हमने इसमें पानी में ओटी टेस्ट किया है तो उसमें मुझे इस समय क्लोरीन नहीं मिली है, और अक्सर डायरिया पानी से ही फैलता है, इसमें अगर अच्छा पानी नहीं होगा, क्लोरीन नहीं मिली होगी, डायरिया फैल जाए, अन्य कारण भी हो सकते हैं, मेरे नॉलेज में जो है वो केवल साफ पानी ना मिलने की वजह से डायरिया की समस्या आ रही है, अधिकारी जैसा कहेंगे उतने बार हम करेंगे 10 बार। आपका क्या नाम है और ये कौन सा मोहल्ला है, यहाँ पे किस तरीके की समस्या आई है जो यहाँ पे डॉक्टरों की टीम आई है? मेरा नाम संजय राज प्रजापति, वार्ड नंबर 18 चारबाग में CVM स्कूल के सामने वाली गली में। जैसे मुझे सुबह 9 बजे करीब पता लगा कि डायरिया की मरीज यहाँ पर काफ़ी संख्या में है और यहाँ की कोई देख रेख नहीं हो रही है, तुरंत मैंने नगर विधायक श्री मनीष सजिया को फ़ोन किया, तुरंत मौके पर आकर मनीष सजिया जी ने यहाँ पर अधिकारी को बुलाया और यहाँ जांच होने के लिए सभी मरीज SN हॉस्पिटल पर पहुँच गए। तो यहाँ पे जो डायरिया की समस्या आई है वो पानी से संबंधित है या फिर कोई और बीमारी की वैसे हुई है? यहाँ जो समस्या है सबसे बड़ी गंदगी, साफ सफाई नहीं है और समय से पानी नहीं आता है, जो पानी है जो पाइप में भरा हुआ है वो पानी रुक रुक के आता है, इसलिए कुछ लोगों का मानना है
गंदगी की वजह से मरीज जो हुए हैं। तो कब से यहाँ पे समस्या आ रही है? ये जो समस्या आई है 3 दिन से समस्या आई हुई है, आज इसका पता लगा।